इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। कमिश्नर से होते, एमएलए से होते और कर्नाटक गवर्नमेंट येडियुरप्पा चीफ मिनिस्टर से भी हम अपील करते हैं और सब लोगों को मालूम है, पूरी टीवी चैनल को मालूम है कि कितना बारिश हुआ, कितना पानी आया, कितने घर तबाह हुए और कई घर टूटे, ये सब उनका इंतजाम करना चाहिए। आई एम हम्बली रिक्वेस्टिंग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हम सभी यहाँ पे डीसी साहब के पास आए। आज बलगाम के हालात इतने खराब हैं कि बोल नहीं सकते। सर, हिंदुस्तान को पता चल गया है कि बलगम में जो बाढ़ आई जैसा हाल हुआ है, बहुत से घरों में नुकसान हुए हैं। आपने सभी लाइव देखे होंगे, फेसबुक लाइव, व्हाट्सएप पे, न्यूज़ में। बेलगावी का ही फर्स्ट टाइम जो 50 साल शायद पहली बार ऐसी बारिश हुई जहाँ के सभी के संसार उजड़ गए, बोलते ना उस तरह उनका पूरा संसार उजड़ गया। घरों में जो इतने तकलीफ़ात आ रहे हैं कि आप पूछो मत, खाने के लिए भी मोहताज हो गए हैं लोग। लेकिन बाहर के थोड़े लोगों ने हेल्प किया है, जिसे पहुंचना था उन तक नहीं पहुंचा है, जिसे नहीं तो वो लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है। मैं चाहती हूं कि उन लोगों को हेल्प हो। और जैसे नुकसानात की बात कर रहे हैं, घरों में जो स्क्रैचेस पड़ के अभी टूटने वाले हैं थोड़े से, किसी के घर टूट गए हैं और घर का पूरा सामान जैसे कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बड़े कीमती चीज़ें उनकी लॉस हो गई। और अनिल बेंगे साहब हमारे नॉर्थ एमएलए, वो भी हमारे यहाँ पे 2-3 बार गली में आके सभी सर्वे किए हैं। ये रिक्वेस्ट है डीसी साहब से कि जो अभी भरपाई हो रही है, ओके दे रहे हैं आप, लेकिन डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाएं? पब्लिक रेंट पे रहती है, उनका उतारा लाओ। उतारा ओनर क्यों देंगे? अपने घर के प्रॉपर्टी पेपर्स आजकल मिसयूज़ हो रहे हैं, तो वो अपने घर के प्रॉपर्टी पेपर्स नहीं देंगे तो वो लोग कहाँ जाएँ? और लोगों के डॉक्यूमेंट्स पे भी ये हो गए हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स भी पानी में बह के ख़राब हो चुके हैं, तो वो लोग क्या करें? तो आधार कार्ड किसी के पास नहीं है, राशन कार्ड नहीं है। और जो लोग कैंप एरिया के हैं, वो वीरभद्र नगर, शिवाज नगर, अभी ऐसे एरिया में, उन्होंने अभी नाम ट्रांसफ़र नहीं किया, एड्रेस प्रूफ प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि वो एरिया में जाए, इंक्वायरी करें। मैं चाहती हूँ कि हर एक इंसान को प्लीज़ हेल्प करें। इन लोगों के जो घर टूटने वाले हैं वो भी जाके सर्वे करें, जो टूटे हुए हैं वो भी सर्वे करें।